कोरोना से हुई सैकड़ों मौतों के कारण शमशान में लकड़ियों की कमी आ गई है। ऐसे में सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मृतकों के परिजनों के लिए जलाऊ लकड़ियां उपलब्ध करवा रहे हैं। उज्जैन के शमशान घाटों पर लगातार आ रहे शवों के कारण जलाऊ लकड़ियों की कमी हो गई है। कोरोना की घातक दूसरी लहर ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। शमशान में मरने वालों को जलाने के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। जाहिर है ऐसे में शमशानों में संसाधनों की कमी होना जायज ही है। एक मृतक को जलाने में कम से कम 5 क्विंटल लकड़ी लगती है। शमशानों में इस जलाऊ लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने नगर निगम का साथ देना शुरू किया है। लोकमान्य तिलक न्यास ने अपने परिसर में रखी करीब 50 क्विंटल लकड़ी नगर निगम को निःशुल्क उपलब्ध कराई है। न्यास हर साल अपने परिसर से निकलने वाली लकड़ी को खरीदारों को बेचता था, मगर इस बार हालात को देखते हुए अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल ने निर्णय लिया कि परिसर में उपलब्ध लकड़ी को शमशानों में निःशुल्क दिया जाएगा। समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि जो कोविड का शवदाग्रह है या अन्य शवदाग्रह है, वहाँ पर शवदाह को करने के लिए लकड़ी की समस्या आ रही है, क्योंकि अभी हमारा इलेक्ट्रिक वाला जो शवदाग्रह है वो उसमें कुछ संकट है या उसमें टेक्निकल कुछ समस्याएं आ रही हैं, और इस बार गति कुछ शवदाह की ज़्यादा है। लकड़ियों की कमी को ध्यान में जब हमने पढ़ा तो हमने तय किया कि लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास के माध्यम से जन सामान्य को इस अंतिम समय में कुछ राहत मिल सके, उनको सुगमता से लकड़ियाँ उपलब्ध हो जाए, इसलिए प्रथम रूप में 50-55 क्विंटल लकड़ी हमने त्रिवेणी मोक्ष धाम ग्रह के लिए नगर निगम को माध्यम से भेजी है। कोरोना काल में चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑक्सीजन की कमी के बाद अब लकड़ी का संकट आ खड़ा हुआ है। संकट की इस घड़ी में सामाजिक संस्था सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल एवं नगर के कई सेवाभावी जनों द्वारा इस चुनौती से निपटने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संस्था सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल ने भी 100 टन लकड़ी खरीदने का निर्णय लिया है। संस्था ने यह लकड़ी 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजार से खरीदी और जाकर शमशानों के संचालकों को निःशुल्क दी। संस्था के अध्यक्ष उत्कर्ष सिंह सेंगर और सचिव विवेक मिश्राम ने बताया कि सदस्यों ने संस्था के उपलब्ध फंड व जन सहयोग राशि से यह काम किया है, ताकि जिस तरह मरीज के परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा, वैसे ही मृतक के परिजनों को लकड़ी के लिए भटकना ना पड़े। सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल के तहत हमने जन सहयोग से 100 क्विंटल लकड़ी लेने का, नगद टाल से लेने का प्रबंध करा था, जो कि हमने शमशान घाट पे देने के लिए जी। तो कितनी आप अभी तक दे पाए हैं, कितने उससे? 100 क्विंटल हमारी पूरी हो चुकी है जी। 7 ट्राली के आसपास हम पूरी दे चुके हैं। 1.5 टन की 1 ट्राली थी जी। तो बची हुई और अभी प्रयास है, अगर और हमारे पास जन सहयोग आता है तो हम और आगे भी पहुँचा देंगे जी। संस्था के सदस्यों का ये सुझाव था, जिसे हमें पता चला कि अभी उज्जैन के सभी चक्र देखते हैं, शमशान घाटों पर लकड़ी की कमी है, लोगों को परेशानियां आ रही है, तो संस्था के सदस्यों के सुझाव से और उनके सहयोग से ये कार्य हुआ है। अभी तक कितनी लकड़ी आप डोनेट कर चुके हैं इसमें जी? अभी तक हम 10 टन से ज़्यादा लकड़ी अभी दे चुके हैं, और अभी और जैसा सहयोग रहेगा तो हम और ज़्यादा भी करेंगे। ये किस प्रकार की रिक्वायरमेंट थी, किस प्रकार से पब्लिक परेशान हो रही थी लकड़ी के लिए जी? आपको जैसे बताइए, अभी कोरोना के कारण समस्या इतनी आ रही है, डेड बॉडीज इतनी आ रही है वहाँ पर कि इतनी मात्रा में लकड़ी होना भी मुश्किल है अभी। सिटी चैनल ऐसे समाज सेवी लोगों और संस्थाओं को सलाम करता है जिन्होंने इस आपदा को पैसा कमाने के अवसर में नहीं बदला और निस्वार्थ भाव से लोगों की तकलीफों को कम करने के प्रयास करते रहे। सिटी चैनल के पुष्करण दुबे की स्पेशल रिपोर्ट।